कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की और आज उन्होंने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 9 लाख रुपए कीमत की 115 किलोग्राम चूरापोस्त और 3 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। मिली जानकारी के अनुसार आज पुलिस टीम ने NH-24 यानी उमरी के पास एक नाकाबंदी लगाकर चेकिंग अभियान शुरू किया और थोड़ी देर बाद उनको एक गाड़ी आती दिखाई जिसे शक के आधार पर रोका गया तो उनके पास से ये नशा की काफ़ी बड़ी खेप बरामद की गई और ये सारी कार्रवाई राज पाते अधिकारी रामदत्त नैन के सामने की गई। और सुनते हैं क्या कहा पुलिस SP साहब श्री सुरेंद्र सिंह पोरिया IPS कुरुक्षेत्र व एडिशनल SP श्री करण सिंह गोयल जी के आदेशानुसार उनके दिए हुए निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जो उसी कड़ी में कल हमारी ANC की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई कि हरविंदर सिंह पुत्र मनजीत सिंह वासी खंडा और कुलविंदर सिंह पुत्र रूढ़ सिंह वासी फतेहगढ़ ये दोनों ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं और ये राजस्थान MP वगैरह से आते वक्त चूरापोस्त अफीम लेकर आते हैं तो आज भी ये भारी मात्रा में चूरापोस्त और अफीम लेकर आ रहे हैं। जो इसी सूचना पर NH-44 हाईवे पर पिपली के पास हमारी ANC की टीम ने नाकाबंदी की जो दौरान नाकाबंदी ट्रक आता हुआ दिखाई दिया और इसको काबू किया। मौका पर गस्टेड ऑफिसर DSP साहब नैन साहब को बुलाया गया वह इसके इनकी तलाशी ली गई। जो दौरान तलाशी 1 क्विंटल 15 किलो चूरापोस्त व 3 किलो अफीम बरामद हुई जो इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया है जो अब इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा जो ये कहां से लेकर आते और कहां देना था और आगे की तफ्तीश अब जारी है।